दुष्कर्म पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में मौत के मामले में दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत 7 आरोपियों को दोषी करार कर दिया है। सेंगर को अदालत ने 120B के तहत दोषी माना है, जबकि 4 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। अदालत अब 12 मार्च को सजा सुनाएगी। बीते साल दिसंबर माह में दिल्ली की कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 9 अप्रैल 2018 को उन्नाव में पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत हो गई थी। परिजनों ने उनकी हत्या किए जाने का आरोप लगाया था। 13 अगस्त 2019 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने कहा था कि पीड़िता के पिता को कथित रूप से गलत तरीके से फंसाया गया था, उन्हें हिरासत में भेज दिया गया था जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके पीछे क्या कोई मंशा थी, यह सब जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ी साजिश थी जो पीड़िता के पिता को पैरवी करने से रोकने के लिए गई थी। कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर, उनके भाई अतुल सेंगर, उत्तर प्रदेश पुलिस के 3 कर्मियों और 6 अन्य लोगों पर आरोप तय किए थे। 29 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने फैसला सुनाने के लिए तारीख 4 तय की है। आपको बता दें कि 4 मार्च को अदालत इसका फैसला सुनाएगी। आपको बता दें कि उन्नाव में कुलदीप सेंगर और उसके साथियों ने 2017 में नाबालिग लड़की को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया था। मामले की जांच सीबीआई ने की। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह मामला दिल्ली के 30,000 कोर्ट ट्रांसफर होने के बाद वहीं सुनवाई हुई। दोषी कुलदीप सेंगर को दिल्ली कोर्ट ने 20 दिसंबर को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि उसे मृत्यु तक जेल में रखा जाएगा। सेंगर पर 25 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया था। हाल ही में कुलदीप सिंह विधानसभा सदस्यता भी रद्द हो चुकी है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.